एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसके लिए अधिकारी भी की नियुक्ति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ये मराठी कार्ड खेल रही है। नहीं, महाराष्ट्र में सारा कामकाज मराठी भाषा में होना ही चाहिए, इस पर किसी को एतराज नहीं है, बल्कि इसका कांग्रेस पार्टी भी पूरा समर्थन करती है, इसका स्वागत करती है। लेकिन नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब से इस देश में एक कायदा है, उसको बोलते हैं त्रिभाषा फार्मूला। उसके हिसाब से हिंदुस्तान के हर प्रदेश में तीन भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, प्रथम अंग्रेजी, दूसरी राष्ट्रभाषा हिंदी और तीसरी वहां की स्थानीय भाषा। तो महाराष्ट्र में भी दुकानों के जो नाम है वो अंग्रेजी में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, जो स्टेशनों के नाम होते हैं उन तीनों भाषाओं में होते हैं, और रास्तों के ऊपर अगर कोई आप नाम पट्टिका लगा रहे हैं तो वो भी तीनों भाषा में होना चाहिए। बस ये यही हमारी भूमिका है। अब इसको लेकर के अगर सत्तारूढ़ दल किसी प्रकार की अगर एक बहुत ही एक उग्र राजनीति करना चाहती है तो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सारे मुद्दों पर वो फेल हो चुके हैं। किसान सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, धंधे सब चौपट हो गए, तो ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल का जवाब देने के बजाय इस प्रकार का भावनिक प्रश्न लोगों के सामने रख करके लोगों का ध्यान बटाने का ये षड्यंत्र हो सकता है। ये कहीं पे मराठी कार्ड पहले मन से प्ले करता था, शिवसेना को मात देने के लिए भाजपा भी अब यही मराठी कार्ड खेल रही है। मैं वही बता रहा हूँ कि मराठी भाषा के खिलाफ तो कोई पार्टी नहीं है महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी भी नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी नहीं है, शिवसेना बीजेपी भी नहीं है। हाँ, ये लोग चूंकि बुनियादी मुद्दों पे काम नहीं कर सकते, लोगों के बेसिक जो सवाल है उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, उनकी जरूरतें पूरा नहीं कर सकते, और आज सत्ता में आए उनको 3.5-4 साल हो गए, अब वो पूरी तरह से फेल हो गए, तो इस तरह के भावनिक प्रश्न के ऊपर एक राजकारण करने की कोशिश करेंगे।